हरियाणा संपत्ति क्षति वसूली बिल पास होने के बाद अब प्रदेश भर में सियासत गर्मा गई है। इस बिल के बाद अब कांग्रेस इसे सोचने बोलने की आवाज दबाने का कानून बता रही है, जिसके जवाब में आज सूबे के गृह मंत्री अनिल विज कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। विज ने कांग्रेसियों से सीधे सवाल पूछा कि क्या कांग्रेसी लोगों के घर दुकान सरकारी संपत्ति जलाने वालों के पक्ष में है। इतना ही नहीं, इस कानून को किसान आंदोलन से जोड़कर देख रही कांग्रेस को विज ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि किसान पिछले लगभग 110 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और किसानों ने किसी का एक पत्ता भी नहीं तोड़ा। हरियाणा में अब आंदोलन या धरने प्रदर्शनों के दौरान किसी भी प्रकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि बीते रोज हरियाणा विधानसभा में ये बिल पारित कर दिया गया है कि अगर कोई सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उस नुकसान की वसूली नुकसान करने वालों से ही की जाएगी। वहीं इस बिल को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने अब हो हल्ला भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने इसे आवाज दबाने वाला कानून बताया है, जिसके चलते सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने अब कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। वहीं अनिल विज ने बताया कि इस कानून को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के साथ बातचीत करके एक ट्रिब्यूनल जाएगा, जिसमें एडीजी रैंक से ऊपर के अधिकारी होंगे। विज ने बताया कि वो ट्रिब्यूनल आगे क्लेम कमिश्नर भी बनाएगा और ये कोई परमानेंट बॉडी नहीं होगी। विज ने बताया कि ये बॉडी पूरे हरियाणा में नहीं बल्कि जहां जहां आंदोलन होगा वहां वहां काम करेगी। साहब, कल संपत्ति बिल पास हुआ है और सुरजेवाला ने सरकार को डर जीवी कहा है। वो कह रहे हैं कि संपत्ति क्षति वसूली से सरकार बोलने सोचने की आवाज दबाने का काम कर रही है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश में भिन्न भिन्न विचारधाराओं के संगठन, राजनीतिक पार्टियां, जत्थेबंदियां हो सकती हैं। वो अपनी विचारधाराओं को प्रोपोगेट करने के लिए समय समय पर वो आंदोलन कर सकती हैं। हम उनके खिलाफ नहीं हैं, उनका अधिकार है, प्रजातंत्र में उनको ये अधिकार दिया गया है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये देखने में आया है कि इन शांति प्रिय धरनों की आड़ में कुछ लोग सरकारी संपत्ति को या लोगों की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और समय समय पर भिन्न भिन्न हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट्स ने भी इसके बारे में चिंता व्यक्त की है और लोगों की भी मांग रही है कि भी आप धरने प्रदर्शन करिए, हमारी दुकानें क्यों जलाते हो, हमारे दफ्तर क्यों जलाते हो। कल जब मैं बिल प्रस्तुत कर रहा था, मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछा कि वो बताएं कि कांग्रेस आग लगाने वालों के खिलाफ है या उनके साथ है, कांग्रेस बसें जलाने वालों के साथ है या उनके खिलाफ है, कांग्रेस रेलवे स्टेशन जलाने वालों के साथ है या उनके खिलाफ है, कांग्रेस स्कूल जलाने वालों के साथ है या खिलाफ है, कांग्रेस लोगों के दुकान मकान घर जलाने वालों के साथ है या उनके खिलाफ है। ये बिल तो हम उसकी रिकवरी के लिए लाए हैं। हम किसी भी प्रकार से ये बिल किसी आंदोलन को दबाने के लिए नहीं लाए हैं। और जहाँ तक ये बात कही गई कि शायद किसान आंदोलन के मद्देनज़र इस बिल को लाया गया, किसान आंदोलन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। 110 दिन से ज़्यादा हो गए, किसी भी किसान ने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा है, किसी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है, तो उनका तो मतलब ही नहीं है। ये बिल तो किसान आंदोलन से भी बहुत पहले से लाने की हम तैयारी कर रहे थे, तो इसलिए ये कांग्रेस द्वारा जितनी भी बातें उठाई जा रही हैं, चाहे वो सुरजेवाला है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, या जो और लोग हैं, वो लोगों को भड़काना चाहते हैं, उकसाना चाहते हैं। इसमें माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय की साथ बातचीत करके उनकी सहमति से एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जिसमें एडीजी रैंक से ऊपर का कोई ना कोई अधिकारी होगा और वो ट्रिब्यूनल ही काम करेगा। ट्रिब्यूनल आगे क्लेम कमिश्नर भी बनाएगा और ये कोई परमानेंट बॉडी नहीं होगी और ये कोई सारे हरियाणा के लिए नहीं होगी,
ये जिस जिले में या जहाँ पर कोई ऐसा हादसे हुए हैं वहाँ के लिए होगी, और वो लोग अपने जिनका नुकसान हुआ है वो अपनी दरखास्त दायर करेंगे डिप्टी कमिश्नर को, और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी, और बकायदा पूरी सारों की सुनवाई करने के बाद जो ट्रिब्यूनल है वो अपना फैसला देगा। आंदोलन को जो लीड कर रहे होंगे, हाँ इसमें ये भी हमने प्रावधान किया है कि खाली जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं वो ही नहीं है, जो इसका आह्वान करते हैं उनको भी इसमें दोषी माना जाएगा। पिछले जो कुछ इस तरीके के केसेस हुए हैं उनको भी कंसीडर नहीं, अब ये आगे के लिए है, पीछे से नहीं। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक